हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कालापानी। सो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको आदि कैलाश के दर्शन कराए थे, और फिर कल शाम को हम लोग कालापानी में रुके हुए थे। नाइट स्टे हमने कालापानी में किया, एंड आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े यहाँ से ओम पर्वत की ओर। तो फिलहाल अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और हम लोग अपना सारा रेडी वेडी होके फिर निकल लें। बाकी ये देखिए, ये वादियाँ, ये बर्फीले पहाड़ चारों ओर, ये नीचे ये कालापानी की मार्केट है। उधर पे आर्मी कैंप है और ITBP का भी कैंप है। उसके अलावा वहाँ पे एक मंदिर है, काली माता का मंदिर। सो ये देखिए गाइस, आज के दिन की शुरुआत इन हसीन वादियों के साथ, बर्फीले पहाड़, और ये सामने नाग पर्वत है। ये देखिए, ये है नाग पर्वत, जो मेन जो अट्रैक्शन है यहाँ का। वहाँ पे काली माता का मंदिर है, काली नदी का उद्गम स्थल भी वहीं पे है। तो वो सब आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ से ऊपर आ गए थे, थोड़ा सा यहाँ पे होम स्टे था एक, तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। और अब यहाँ से अर्ली मॉर्निंग सीधे निकल रहे हैं ऊपर ओम पर्वत की ओर, और फिर वापसी में आपको काला पानी, यहाँ पे जो मंदिर है माँ काली का और जो काली नदी का उद्गम स्थल है, वो सब आपको फिर वापसी में दिखाएंगे। मैं हूँ गोदावरी गर्ब्याल, मेरा एक छोटा सा होम स्टे है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। यह है पास में, मेरे पास में यह नाग पर्वत, ये गणेश जी है इधर सामने दिखाई दे रहे हैं, यह है गणेश जी। अच्छा, गणेश पर्वत बोलेंगे ना, ठीक। वो शिवलिंग वो बीचों में बर्फों के बीचों में वो, अच्छा, जहाँ धूप आया वो शिवलिंग। ओके, यहाँ काली माता का मंदिर है, वहाँ से असली काली नदी का उद्गम है। वहाँ से काली मंदिर में जो भी मन्नत मांगोगे वो काली माता पूरा करती है, ठीक। और हर चीज मुराद पूरी होती है। ये कौन सी नदी है जो ये जा रही है? ये पंखागाड़ है, पंखागाड़ है, यरखागाड़। कौन सा? ऊपर यरखा गर्भो नाला है, गर्भो नाला। वहाँ से अच्छा। आगे जाएंगे भी बहुत अच्छा झील है एक, ठीक। पूरा ग्राउंड में बीच में ना, जैसे मानसरोवर की तरह झील है, ठीक ठीक। इस रोड पे आएगा जो मेन रोड है जहाँ हम जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसे जा नहीं पाते ना, वहाँ बकरी वाले यहाँ। अच्छा अच्छा, जैसे समर में यहाँ बकरी वाले भी बहुत आते हैं। अच्छा, और ये जो अब हम जा रहे हैं आगे ओम पर्वत, कितनी दूर है यहाँ से? ओम पर्वत है 9 किलोमीटर यहाँ। 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर ओम पर्वत है, और हमारे उधर ये बहता हुआ शुद्ध पानी पूरी जड़ी बूटियों से मिला हुआ, जैसे यहाँ प्लेन्सों की तरह आरो, ये जो पानी सीधे ग्लेशियर से आ रहा है, ये भी ग्लेशियर से बहता हुआ है, प्रकार के जड़ी बूटी मिलके बना होता है। ये पानी पीने से कितने रोग व्याध दूर हो जाता है, कष्ट रोग नहीं होगा, बहुत अच्छा पानी होता है। लोग कहते हैं कि अरे पानी गंदगी, सबसे अच्छा पानी, ये तो साफ पानी है, पूरा बर्फ से आ रहा है, और इसमें हर प्रकार के जड़ी बूटी मिलके पानी बह रहा है, ठीक। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि अरे फिल्टर नहीं है, आरओ नहीं है। ये रोड यहाँ पे आए कितना टाइम हो गया? दो तीन साल हुआ है, 3 साल से गाड़ी चल रहा है। ये हमारे टूरिस्ट आए हुए दीदी के होम स्टे में, ये देखिए, ये इनका किचन। बारिश आने वाली। आपके होम स्टे का नाम क्या बताया? गोदावरी। अच्छा, गोदावरी। सो गाइस, ये देखिए, ये हमारा होम स्टे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। अभी तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से फिलहाल। सो गाइस, काला पानी से अभी हम लोग निकल रहे हैं ओम पर्वत की ओर। ये काला पानी का होम स्टे वाला एरिया, और नीचे साइड में इधर मार्केट, एंड ये अपनी टीम रेडी हो गई है। सो गाइस यार, सूरज की पहली किरणों के साथ हम लोग निकल पड़े हैं इस ट्रिप की हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है ओम पर्वत की ओर। सो ये देखिए गाइस, उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो पेड़ फेमस है यहाँ पे आप देख रहे हैं। फाइनली आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने पे ओम पर्वत का बहुत ही खूबसूरत नजारा, बहुत ही विहंगम दृश्य आप कह सकते हैं। ओम का शेप यहाँ पे बना हुआ है। तो यार, अभी हम लोग जा रहे हैं नाभी डांग तक, वहां पे एक व्यू पॉइंट है जहां से ओम पर्वत का और भी खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए नाभी डांग, यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी सारे छोटे छोटे ढाबे भी हैं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। सो गाइस, फाइनली हम लोग नाभी डांग, और नाभी डांग पहुंच गए, जो आज की फाइनल लोकेशन, फाइनल डेस्टिनेशन हमारी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके वहाँ पे व्यू पॉइंट है, जो मेन व्यू पॉइंट आप कह सकते हैं, जहाँ से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे एक ढाबा है कैलाश होटल, जो कि इंडिया का लास्ट ढाबा आप कह सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग हैं
ओम पर्वत के सामने, ठीक सामने हमारे ओम पर्वत। ओम नमः शिवाय। एंड गाइस यार, ये जो ओम की जो आकृति बनी हुई है, कहा जाता है पूरी दुनिया में 8 जगह ऐसी आकृति है, बट केवल इंडिया में इस जगह पे ओम का शेप जो है वो अभी तक ढूंढा गया है। इसके अलावा कहीं पे भी अभी मिला नहीं है। ओम का शेप आप देख सकते हैं, तो गाइज यार अभी हम लोग हैं 13,070 फीट की हाइट में, और जो सामने ओम पर्वत दिखाई दे रहा है वो है 19,021 फीट की ऊंचाई पे, और सामने ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो शेप है ये नाभि का शेप बना हुआ है, और इसीलिए इस जगह को नाभि डांग कहा जाता है। सो गाइज ये देखिए, ये है नाभि डांग, लास्ट स्पॉट, लास्ट डेस्टिनेशन इसके उस पहाड़ी पे था। ये देखिए ये नाग पर्वत, इसे नाग पर्वत कहा जाता है, नीचे काला पानी से भी मैंने आपको दिखाया था, और इसके लेफ्ट साइड में ये नाभि का शेप बना हुआ है। ये देखिए ये जो नाभि का शेप आप देख रहे हैं ये वाला, इस पर्वत का नाम है नाभि पर्वत, और इसके पीछे है नेपाल, इस पर्वत के पीछे नेपाल है, और इसके फिर लेफ्ट में आके ये है ओम पर्वत। ये देखिए ओम नमः शिवाय, ये ओम पर्वत, इसके पीछे है चाइना, ये बॉर्डर एरिया है, और फिर इसके पीछे चाइना, एंड फाइनली ये जो है त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल का शेप यहाँ पे बना हुआ है। सो ये पूरा व्यू मैंने आपको दिखाया यहाँ से, पिछले 1-1.5 साल पहले जो यहाँ पे नेपाल और इंडिया का जो इश्यू हुआ था, इसी लैंड को लेकर, ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है तो इसी पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यू हुआ था, तो वो सब आपने सुना होगा बीच में, क्योंकि इसके पीछे नेपाल है और ओम पर्वत के पीछे चाइना, और यहाँ पे ये पूरा अपना इंडिया। सो बहुत ही प्यारा व्यू, अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं सनराइज़ के साथ, और ओम पर्वत का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। सो ये अपनी टीम, और सामने ये ओम का शेप आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ओम नमः शिवाय। गाइस ये जो यहाँ पे फेंसिंग की हुई है, इसके पीछे ITVP का चेक पोस्ट है, ये तो वहाँ पे अलाउड नहीं है जाना, बस ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट व्यू पॉइंट, यहाँ से ओम पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों यार, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पहुँचने लगे हैं, बट जो पहले दर्शन है वो हमने करे थे आज ओम पर्वत के, तो अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो रहे हैं, पास जो है मेन, तो आप देख सकते हैं यार विदाउट पास यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग जब भी आते हैं पहले पास बनाने का प्रोसेस जान लीजिए, पास बनाइए और फिर उसके बाद यहाँ पे आइए। हाँ ठीक है, पूरी ट्रिप कम्प्लीट करके वापसी करते हुए हम, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, चलो जय संचय बगला। तो ओम पर्वत से वापसी हम लोग अब काला पानी की ओर, काली नदी का उद्गम स्थल, और वहाँ पे जो काली माता का मंदिर है बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको दर्शन कराएंगे काली माता के। अभी हम लोग उसी होम स्टे पे आ गए जहाँ पे कल नाइट स्टे किया था, तो यार यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आगे को निकलेंगे, काली माता का जो मंदिर है वहाँ पे आपको दर्शन करेंगे। सो गाइज अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब काली माता का मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, और जो उद्गम स्थल है काली नदी का वो सब आपको दिखाते हैं। सो फाइनली हम लोग काली माता मंदिर काला पानी में, तो ये मंदिर का मेन गेट, और यहाँ पे सामने पे मंदिर है, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं काली माता के। और ये बगल में काली नदी, जो आगे जाके फिर महाकाली नदी के नाम से जानी जाती है, इसका उद्गम स्थल यहाँ पे है। जय माँ काली मंदिर। सो गाइस ये देखिए, ये माँ काली का मंदिर और महाकाली नदी, जो यहाँ से उद्गम स्थल है नदी का, इस पहाड़ की जड़ से पानी आता है और मंदिर के नीचे से, फिर ये देखें ये पानी जा रहा है,
और फिर यहाँ से आगे कालिका माता, काली नदी, महाकाली नदी जो तारचूला होते हुए टनकपुर, और फिर उसके आगे उसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये है काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी, और सामने महाकाली का मंदिर। जय महाकाली का। सो गाइस, यार आपने देखा, ये महाकाली मंदिर, कालिका माता का मंदिर, काला पानी ये जगह का नाम है, और जो काली नदी है, महाकाली नदी, ये आप देख रहे हैं, ये यहीं से निकल रही है, ये उद्गम स्थल है महाकाली नदी का। तो जय महाकाली, जय हो। तो हमारा जो ट्रिप था पूरा आदि कैलाश और ओम पर्वत का महाकाली मंदिर के दर्शन के साथ यहीं पे समाप्त होता है। बाकी चलिए अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से तारचूला की ओर, तो फिर वहाँ से DD8 को। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको इसी तरह से नए नए ब्लॉग्स, नई नई जगहों की सैर कराते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइस जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।